कीचड़, पानी और मलबे का ये सैलाब जब पहाड़ियों से उतरा तो घाटी में तबाही बन गया। इस प्रचंड प्रवाह की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस प्रलयकारी प्रवाह के सामने जो कुछ आया वो तिनके की तरह बहता चला गया। बादल फटने के बाद शुरू हुई तबाही के इस सिलसिले में फौलादी ब्रिज से लेकर पक्की सड़कें तक सब कुछ तबाह हो चुका है। सिक्किम से आई तबाही की ये तस्वीर बता रही है कि प्रकृति का प्रलय है, पर इस प्रलय का मुख्य कारण क्या था ये हर कोई जानना चाहता है। लहोंग झील पर बादल फटने को कारण बताया गया तो लोग इस मंजर को देखकर डर गए। बादल फटने से पूरे राज्य में जबरदस्त तबाही से हाहाकार मचा है। हालांकि ये तब हुआ जब नेपाल में भूकंप आया। ऐसे में सवाल ये कि क्या सिक्किम में आई तबाही का कारण नेपाल का भूकंप था। वैज्ञानिक इन दोनों घटनाओं के आपसी संबंध का पता करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये पता करना चाहते हैं कि कहीं नेपाल के भूकंप की वजह से चुंगथांग के ऊपर मौजूद साउथ लोहांग ग्लेशियर लेक की दीवारें कमजोर तो नहीं हो गई थी। झील के टूटने से निकले पानी के तेज बहाव की वजह से चुंगथांग डैम टूट गया। ये 1200 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। हैदराबाद के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की तस्वीरें तो भयावह खुलासे करती हैं, जिसमें दिखाया गया कि साउथ लोहांग लेक का पूरा क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर कम हो गया, जबकि 17 सितंबर 2023 को ऐसा नहीं था। इससे पता चलता है कि झील टूटी और उससे तिस्ता नदी में अचानक बाढ़ आई। फिलहाल वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अभी एकदम से नेपाल के भूकंप और सिक्किम के ग्लॉग यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हम इसके संबंध की जांच कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ बादल फटने से इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। अगर आप इसरो द्वारा जारी तस्वीरों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसरो ने 3 सैटेलाइट्स फोटो का कॉम्बिनेशन जारी किया। अगर आप तस्वीरों को देखेंगे तो इसमें साफ दिखता है अंतर। पहले हिस्से में दिख रहा है 17 सितंबर 2023 को झील करीब 162.7 हेक्टेयर क्षेत्रफल की थी। 28 सितंबर 2023 को बढ़कर 167.4 हेक्टेयर इलाके में फैल गई। 4 अक्टूबर को इसका क्षेत्रफल सिर्फ 60.3% ही बचा। झील का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर खत्म हो चुका है। ये तस्वीरें इसरो के रीसेट 1A और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सेंटिनल 1A सैटेलाइट से ली गई है। साउथ लोहांग ग्लेशियर लेक उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले के चुंगथांग के ऊपर 17,100 फीट की ऊंचाई पर है। इस झील की गहराई करीब 260 फीट है। ये 1.98 किलोमीटर लंबी और आधा किलोमीटर चौड़ी है। 3 और 4 अक्टूबर के बीच की रात झील की दीवारें टूटी और फिर शुरू हो गया तबाही का वो मंजर जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।